अब ये रोना धोना बंद कर, कल तेरे पापा को न्याय जरूर मिलेगा। अब तुझा जाकर आराम कर, कल का दिन तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या हुआ? उस दिन अंकल को धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी, आज कह देती हूँ। नमस्ते बाबा जयशंकर, संकट मैया करे आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और आपके अम्मे जो आपका इंतजार कर रहे, आप जल्दी से जाके उनसे मिल सको। दूरी, इनकी भी कोई बेटी होगी, इसीलिए तेरी पुकार ने इसे एक नई जिंदगी दे दी। मैं तो अपने बाबा से नहीं मिल सकती, पर मैं प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी बेटी से मिल सको। ये मेरे बाबा का, हमेशा उनके साथ रहता था। वो कहते थे जब ये हमारे साथ होता है भोलेनाथ हमारे साथ होता है। आप ये बाबा जैसे अंकल को पहना देना, भोले बाबा इन्हें जल्दी ठीक कर देंगे, ताकि ये जाकर अपनी बेटी को गले लगा सके। हे भोलेनाथ, इन्हें जल्दी से ठीक कर देना, ताकि अपनी बेटी को जाके गले लगा सके। मैं कल आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कल कैलाशी का झूठ सबके सामने आ जाएगा, अदालत में वो गलत साबित हो जाएगी और कल न्याय की जीत होगी। हमारे बच्चों की तरफ कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं, और तुमने हमारे बच्चों को अगवा किया। हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, खाली दिलबाग शैतान का घर होता है। मालकिन कहाँ करते, घर बस्ती में कहाँ भी नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, पैसा नहीं, कुछ मलाई खाने के लिए ना, हमको सामने जो दिखा हमने बच्चे अगवा के लिए बिना जाने बिना सोचे समझे हम सच कह रहे। बाकी मान के ये देखिए, ये आपकी जूती हमरा से, आप मारिए ना हमको, मारिए। बाकी लेकिन एक बात बता रहे हम आपको, हमको जान के बहुत दुख हो रहा है कि आप ना एक केस हार जाएंगी।
हम सोच सोच के कलेजा फटा जा रहा है कि हमारी माँ। एक मिनट, केस हार जाएंगे मतलब? हाँ, मतलब कौन है का है हम नहीं जानते, पर हमको मालूम कि रूरी है ना, उसने आपके खिलाफ एक गवाह तैयार किया है। गवाह? कैसा गवाह? मैं तेरी मदद करूंगी, मैं आऊंगी अदालत में, गवाही दूंगी कैलाशी ठाकुर के खिलाफ, सबके सामने ये सच जरूर बताऊंगी कि मैंने तुझे ठाकुर के कैद से बचाया। तो बस ये जानना चाहते थे कि ये डोरी आधी रात को कहां जा रही है, पर यहां तो कहानी पलट गई बाबा। इसके पास तो ऐसा गवाह जो कैलाशी ठाकुरायन को बर्बाद कर सकता है। हाँ, कौन औरत है काया हम तो नहीं जानते, जरूर जानते हैं ठाकुरायन के जो पोते हमने अगवा किए थे उसके बदले में ये खबर देके हमको माफी जरूर मिल सकती है। कोई औरत है जो दूरी को हमसे बचा रही है। मैंने डोरी को कैद किया था और कोई उसे वहां से निकाल कर भी ले गया था, मतलब नीलू की बात सच है, पर वो औरत कौन हो सकती है और वो डोरी को मेरी नाक के नीचे से बचाकर कैसे ले गई? मालकिन, मालकिन अगर उसने अदालत में आपके खिलाफ बोल दिया ना, तो आपको उल्टे पैर फिर से जेल जाना पड़ेगा उसी जगह। हमने ना आपको सब कुछ बता दिया, ये आपका हाथ और हमारा गला, मार दीजिए हमको, मरने के लिए तैयार है, मार दीजिए हमको। तुमने अपनी वफादारी साबित की, इसलिए इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, अगली बार माफी नहीं सजा देंगे हम। एक बात का ध्यान रहे, वो औरत जो भी हो वो अदालत नहीं पहुंचेगी। हम हल्की नहीं पहुंचने देंगे, आपकी जबान नीलू की जान। हटो हमारे रास्ते से। चल रही है ये? कल तक तुम माँ को मारने के लिए गुंडे भेज रही थी, आज उनके पैरों पर पड़ी, माफी मांग रही हो और उनको खबर दे रही, चल क्या रहा है भाई? कहाँ चल रहा है, मतलब दिमाग चला रहे हैं भाई। देखिए, हमको इतना तो समझ में आ गया है कि इस घर की मालकिन ठाकुरायन ही है, और अगर सब कुछ आपके नाम करवाना है ना, जो कि केवल आपका है, सिर्फ आपका, तो उसके लिए तो ठाकुरायन को थोड़ा खुश तो करना पड़ेगा ना, और ये सब हम ना केवल आपके लिए कर रहे हैं। तुम ना नीलू हमको सबसे ज्यादा समझती हो, पर आप नीलू को नहीं समझते मंजरी ठाकुर। अब आप तो हमें पत्नी होने का अधिकार देने से रहे, तो हम ठाकुरायन के करीब जाकर अपना और अपने बच्चे का हक लूंगी, और हक मिलते ही ना एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटाएंगे, तुमको भी और वो ठाकुरायन को भी।